मॉडल इसका है 30BR C2। ठीक है, डोर आपका यहाँ से ओपन होगा, यहाँ से ऐसे प्रेस करेंगे बंद हो जाएगा। ठीक है, आपका कोई भी बर्तन यूज करना है सब माइक्रोक्रोफ का होना चाहिए। ठीक है, ये जो ग्लास दिख रहा है इसके ऊपर ही यूज करना है। ठीक है, एक ग्लास आपको कभी हटाना नहीं है, जो भी बर्तन यूज करते हैं इसके ऊपर ही यूज करना है। ओके, पहला प्रोग्राम ये आपका इतना मेनू आता है। ठीक है, मेनू में जैसे राइस आपको पकाना हो तो यहाँ से राइस का वेट आएगा, वेट आपको सिलेक्ट करना है 150 ग्राम, 300 ग्राम, 450 ग्राम, 600 ग्राम। ठीक है, उसके बाद सिलेक्ट करके यहाँ से स्टार्ट कर देना है। इसमें से आप कोई भी मतलब फंक्शन यूज करते हैं, यहाँ से सिर्फ सिलेक्ट करके स्टार्ट ही करना पड़ेगा। ठीक है, टाइमिंग ऑटोमेटिक लेगा वेट के हिसाब से, जितना आप वेट देंगे। ठीक है, यहाँ से आपका प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा, दूसरी बार प्रेस करेंगे तो रीसेट होगा। ठीक है, यहाँ से अगर आप टाइमिंग देके कुछ चीज़ पकाना चाहते हैं तो कर सकते हैं, इसमें माइक्रो चलेगा, या आपको पापड़ सेकना हो या गरम करना हो खाना वाना तो इसमें आप टाइमिंग देके गरम कर सकते हैं। ठीक, यहाँ से 10 मिनट चलेगा, यहाँ से 10 सेकंड, यहाँ से 1 मिनट, यहाँ से 1 सेकंड। ठीक है, फिर है आपका माइक्रो ओवन पावर लेवल आता है। पावर लेवल में जैसे अपना गैस का होता है, स्लो फास्ट पकाना चाहते हैं उसी हिसाब से, पहले 100 आएगा, अभी 100 आया, उसके बाद 90, 80, 70 ऐसे मतलब कम होता चला जाएगा स्लो फास्ट पकाने के लिए। ठीक है, फिर आपका आएगा माइक्रो प्लस ग्रिल। माइक्रो प्लस ग्रिल में इसमें पकाएगा और कड़क करेगा। ठीक है, अगर आप कोई चीज़ बाहर से अंदर से पकाना चाहते हैं और बाहर से कड़क करना चाहते हैं तो आप ग्रिल के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, माइक्रो प्लस ग्रिल। उसके बाद आपका टन ग्रिल आएगा, माइक्रो प्लस टन ग्रिल। टन ग्रिल में इसमें क्या होता है, पकाएगा और कड़क करेगा। इसमें दो प्रकार का ग्रिल आता है। ठीक है, एक टन ग्रिल आता है, एक टेबल ग्रिल आता है। टेबल ग्रिल के लिए स्टैंड आता है, टेबल ग्रिल आता है। तो छोटा वाला वो क्या है? सेम, ये भी टेबल ग्रिल है। दोनों साइड से अगर आपको पकाना चाहते हैं तो इस पे है, ऐसे करके रख सकते हैं ऊपर नीचे। ठीक है, और एक आपका टन ग्रिल आता है। ठीक है, टन ग्रिल में जैसे आप नॉन वेज वगैरह कुछ यहाँ पे इसमें सब भर देना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पे लगा देना है। ठीक है, ये मूविंग करेगा इस साइड से, दोनों ऐसे लगा के उसके बाद ये इसका स्टैंड आता है निकालने के लिए। यहाँ से ऐसे प्रेस करके ऐसे अब निकाल सकते हैं, क्योंकि हाथ बहुत जल लेना तो इसके लिए स्टैंड आता है। ठीक है, बाद आपका कन्वेक्शन आता है। बेकरी वाले आइटम नॉन खटाई बिस्किट वगैरह कुछ बनाना चाहते हैं तो आपको कन्वेक्शन यूज करना पड़ेगा। इसमें से जो प्रोग्राम है आपका, अगर आपको कन्वेक्शन यूज करना है तो इसमें पहले प्रेस करना पड़ेगा, उस पर टाइमिंग देना पड़ेगा। ये जो होता है मेनू होता है, इसमें टाइमिंग आपके ऊपर डिपेंड करता है कितना टाइम देना है। ठीक है, हाँ 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, जिस हिसाब से फूट रहे उसी हिसाब से टाइमिंग दे के आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, आपका कन्वेक्शन प्लस टर्न ग्रिल आता है। इसमें मतलब ऑयल वाले कुछ भी चीज़ पकाते हैं तो इसमें कड़क भी करेगा और बेकरी वाले आइटम आप पका भी सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कन्वेक्शन टर्न ग्रिल आता है, माइक्रो आता है। इसमें पकाएगा भी और कड़क भी करेगा और ब्राउन भी करेगा आपका। ठीक है, तीनों चलेगा। उसके बाद माइक्रो प्लस कन्वेक्शन आता है, माइक्रो प्लस कन्वेक्शन में पकाएगा और ब्राउन करेगा। ठीक है, उसके बाद आपका क्लीन वाई स्टीम आता है। क्लीन स्टीम में आपको जैसे कोई भी फूड पकाते हैं, आपको लगता है क्लीन मुझे क्लीन करना पड़ेगा तो एक कांच का बाउल लेने का, ऐसा कांच का बाउल लेने का, इसमें रखने का है, पानी थोड़ा ज़्यादा भर देने का इतना। ठीक है, भरने के बाद एक थोड़ा नींबू निचोड़ देने का, नींबू निचोड़ने के बाद ये बंद कर देना है। उसके बाद एक क्लीन वाई स्टीम है, यहाँ से प्रेस करेंगे, 5 मिनट का प्रोग्राम हो ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा, टाइमिंग इसमें नहीं देना पड़ेगा, यहाँ से स्टार्ट कर देंगे, अंदर से पूरा क्लीन हो जाएगा, सिर्फ बंद हो जाए, उसके बाद थोड़ा मतलब गर्म रहेगा तो ठंडा हो जाए तो कोरे कपड़े से क्लीन कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपका ये आपका कीप फ्रोम आता है। कीप फ्रोम में जैसे आप कोई चीज़ गर्म करना चाहते हैं, ठीक है,
इसमें नॉर्मल टेम्परेचर में के फ्रॉम में अगर आप खाना गर्म करना है तो यहाँ पे प्रेस करके टाइमिंग देना पड़ेगा, आधा घंटा या एक घंटा। उसमें खाना कोई मतलब आधे घंटे वाला कोई खाने वाला है तो उसमें आधे घंटे का टाइमिंग लगा के कर देंगे, ना वो ज़्यादा होगा ना कम, नॉर्मल टेम्परेचर पे वो गर्म रखेगा। ठीक है, ये आपका पावर सेव आता है। पावर सेव में क्या होता है, मतलब डिस्प्ले ऑफ हो जाएगा पावर बचत के लिए। ठीक है, लेकिन बेटर यही है जो आपका स्विच है वहीं से बंद करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, और ये आपका स्टार्ट आता है। स्टार्ट में एक्सप्रेस कुकिंग आता है। अगर आपको मतलब फटाफट कुछ गर्म करना हो जल्दी से तो ये जितनी बार प्रेस करेंगे एक एक मिनट 30-30 सेकंड प्रेस होता चला जाएगा और ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से स्टॉप एक बार करेंगे स्टॉप हो जाएगा, फिर प्रेस कर देंगे तो वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, दो बार प्रेस करेंगे प्रोग्राम रिसेट हो जाएगा। ओके, ये जो आपका प्रोग्राम आता है टाइमिंग इसमें देना पड़ेगा और इसमें ये मेनू आता है। ठीक है।